सादर प्रणाम, मैं नीरजा चौधरी। टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे एनर्जी फ्लो की। एनर्जी फ्लो क्या होता है? हिंदी में ऊर्जा प्रवाह की बात करें, हम पढ़ लेते हैं इकोलॉजी को, इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम में लास्टली हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था, डिकम्पोजिशन के बारे में पढ़ा था। अब बात आती है कि जो प्रोडक्टिविटी हुई या डिकम्पोजिशन हुआ और पूरे का पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, तो उसमें एनर्जी का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है, या ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस तरीके से होता है। देखिए, कई तरीके के इकोसिस्टम पूरे यूनिवर्स में कहें या पूरे अर्थ पर कहें, बहुत सारे इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। अर्थ की बात करते हैं स्पेशली, तो यहाँ पर देखिए, हमें ये पता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं सबके लिए एनर्जी सोर्स क्या होता है, सोलर एनर्जी होती है। यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है या सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो ही मेन क्या होती है, एनर्जी का मेन सोर्स होती है। यानी कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है वो क्या होता है, सूर्य यानी कि सन होता है। लेकिन यहाँ पर भी एक एक्सेप्शनल केस आता है, जितने भी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम होते हैं, हाइड्रोथर्मल मतलब हिंदी में जिन्हें जलतापीय पारितंत्र कहा जाता है, ये पारितंत्र को छोड़ दें अगर, तो सबके लिए एनर्जी का जो पूरा सोर्स आता है वो क्या आता है, सूर्य आता है। अब देखिए, जितना भी पीएआर होता है, यानी कि पीएआर का मतलब हुआ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, पीएआर। तो जितना भी हमारा इंसिडेंट सोलर रेडिएशन होता है उसका 50% से भी कम भाग यहाँ पर पीएआर के रूप में यूज किया जाता है। सोचिए, जितना यहाँ पर आपतित सौर की विकिरण आ रहा है या इंसिडेंट जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसमें से मात्र हम कितना यूज कर पाते हैं, 50% यूज हो रहा है, और वो भी 50% भी नहीं है, इससे भी कम है, जो पीएआर के लिए यानी कि फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के रूप में यहाँ पर यूज हो रहा है। अब रही बात, जितना भी यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी की या जितने भी सूर्य है उसके रेडिएशन की ज़रूरत होती है, और वहाँ से जो भी रेडिएटेड एनर्जी आ रही है, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि मेन सोर्स जो होता है एनर्जी का वो होता है सन। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो सन जितनी भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, और ये एनर्जी का यूज़ कहाँ हो रहा है, जितनी एनर्जी है कहाँ से आई है, सूर्य से आई। फिर रिपीट कर रही हूँ मैं, सूर्य से ये एनर्जी आई, इस एनर्जी को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर से यूज किया जाएगा, क्या करने के लिए, फूड बनाने के लिए। क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेंगे तो कौन करेंगे, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करेंगे, तो प्लांट इतनी एनर्जी का केवल केवल और केवल कितना, 2 से 10% तक, यानी कि 2 से 10% तक पीएआर को एक्सेप्ट करते हैं। एक तो देखिए, टोटल रेडिएशन का 50 से कम यहाँ यूज हो रहा है, और उसमें भी 2 से 10% ही केवल प्लांट्स के द्वारा प्रयोग किया जा रहा है या उनको यूज किया जा रहा है। ठीक है, अब जितनी भी फूड की रिक्वायरमेंट्स हैं इस अर्थ पर, वो सारी फूड की रिक्वायरमेंट पूरी करने की जिम्मेदारी किस पर है, मेजॉरिटी में जिम्मेदारी प्रोड्यूसर्स पर है, यानी और मेन प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। अभी तो फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह भी हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन मेन की मैं बात कर रही हूँ, मेन प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। यही हैं जो उत्पादक के रूप में काम करते हैं और सबके लिए फूड यानी कि आहार की व्यवस्था भी करते हैं। ठीक है, एनर्जी आई कहाँ से, सन से। कहाँ से आई, प्रोड्यूसर में। प्रोड्यूसर से कहाँ जाएगी, कंज्यूमर में जाएगी, क्योंकि ये खाना बना के प्लांट अपने पास थोड़ी रखेंगे, जो भी प्रोड्यूसर होगा, या मैं प्लांट की बात कर रही हूँ। तो इसको आप देखिए इस तरीके से, एनर्जी आई सन से, सन से कहाँ पर आई, प्रोड्यूसर में, कोई भी प्रोड्यूसर रहेगा यहाँ पर। प्रोड्यूसर से कहाँ पर आई ये एनर्जी, कंज्यूमर में। ठीक है, जिसने यहाँ पर बनाए हुए फूड को खाया वो क्या कहा जाएगा, कंज्यूमर। तो यहाँ पर जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी का फ्लो क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये यह आता है कि जो एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में होता है वो एनर्जी फ्लो कैसा होता है, वन डायरेक्शनल होता है,
यानी कि एक ही दिशा में होता है। ऐसा नहीं है कंज्यूमर से एनर्जी प्रोड्यूसर ने ले ली, फिर उधर सन को ट्रांसफर कर दिया, सन ने डायरेक्ट कंज्यूमर को दे दी, ये कोई सीक्वेंस नहीं है। सन से प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर। और जो थर्मोडायनामिक के अगर थोड़े से प्रिंसिपल्स पता होंगे आपको, तो थर्मोडायनामिक का पहला प्रिंसिपल यही कहता है कि जो एनर्जी फ्लो है वो वन डायरेक्शन में ही होता है। और जितने यहाँ पर हम बात करेंगे, एक नंबर का या वन मार्क का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आता है या एजर्शन रीजन में आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको अगर एज अ पिरामिड इसको बनाना पड़ेगा तो भी आप दिखा दें इसको, क्योंकि एनर्जी फ्लो कभी भी पजल्ड वे में आगे पीछे नहीं जाएगा, सिंपली वन वे में आगे पीछे जाएगा। अब रही बात ये एनर्जी का जो फ्लो हो रहा है यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, या फिर अभी हमने डिकम्पोजर पढ़े थे लास्ट में, लास्ट वीडियो में, तो अगर वो वहां तक जा रहा है तो ये जा कैसे रहा है? तो इसको हम दो तरीके से समझेंगे। एक हम समझेंगे फूड चेन के बेसिस पर, जिसे हम बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसको? खाद्य श्रृंखला। और दूसरा हम इसको समझेंगे फूड वेब के तरीके से, जिसको हम बोलते हैं खाद्य जाल। दोनों एक सी चीजें हैं। अगर श्रृंखला आपको समझ में आ जाएगी, चेन समझ में आ जाएगी, तो आपको ये वेब भी समझ में आ जाएगा। देखिए, हम फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। मेजॉरिटी में जो फूड की डिपेंडेंसी होती है वो किस पर होती है? प्लांट्स पर होती है। हम भी हैं, अगर अगर मान लीजिए हम अपनी खुद की बात करें, तो ऐसा तो है नहीं कि हम प्लांट्स का सेवन नहीं करते हैं। हम फूड के तरीके से पालक भी खा रहे हैं, गाजर भी खा रहे हैं, मूली भी खा रहे हैं, गेहूं, चना, सब कुछ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो हमें कहाँ से मिल रहा है? प्लांट्स से मिल रहा है। अदर रिक्वायरमेंट के लिए कुछ लोग मीट भी खाते हैं, ठीक है, मांस का भी सेवन करते हैं, यानी कि वो रिक्वायरमेंट के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं। फिलहाल हम एक सीधी चेन के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। सीधी चेन के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो प्लांट्स का क्या रोल होता है? ये ऐसे चेन को फॉलो करते हैं जो चेन लगातार एक सीक्वेंस को दिखाती है, जो चेन लगातार ये बताती है कि इससे पहले वाले ट्रोपिक लेवल पर डिपेंडेंसी थी अब वाले ट्रोपिक लेवल की। ठीक हो गया? ये हमेशा, अगर चेन की हम बात करें, फूड चेन हमेशा, जब भी आप एग्जांपल करेंगे सीधा ही इसको बनाएंगे, फूड चेन हमेशा कैसी होगी? सीधी होगी। क्लियर हो गया? जब आप फूड चेन को दिखाएंगे तो फूड चेन हमेशा कैसी होगी? बिल्कुल सीधी होगी। यानी कि यहां पर आए प्रोड्यूसर, जिसने भी फूड बनाया, उन प्रोड्यूसर ने को किसने खाया? कंज्यूमर में। कंज्यूमर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो, जिनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में हम डिवाइड करेंगे। इनको डिवीजन को हम एक बार अलग से देखेंगे। फिलहाल टॉपिक पर ही आते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर टोटल हम यहाँ ट्रोपिक लेयर की बात करें, यानी कि पोषण स्तर की बात करें, कि जो एक प्रोड्यूसर पर डिपेंड होके आगे आगे बढ़ रहा है, तो वो लगभग यहाँ पर 3 से 6 अलग अलग लेयर हो सकते हैं। अब देखिए कैसे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, कंज्यूमर में भी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। देखिए, प्राइमरी कंज्यूमर कौन से होंगे? जो हर्बीवोर्स होंगे, यानी कि जो किसको किस पर डिपेंड होंगे? शाकाहार पर डिपेंड होंगे, यानी कि प्रोड्यूसर पर डिपेंड होंगे। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होंगे जो इन पर भी डिपेंड होंगे और प्रोड्यूसर पर भी डिपेंड होंगे। और ये क्या करेंगे? दोनों, मतलब ये वेज और नॉन वेज दोनों सेवन करेंगे। लेकिन ये जो टर्शियरी कंज्यूमर होंगे, ये हमेशा किस पर डिपेंड करेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड करेंगे। तो इस बेस पर ये ट्रोपिक जो लेयर्स हो सकते हैं, ये पोषण के जो स्तर हो सकते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। अब जैसे अपनी हम बात करते हैं, मनुष्य की बात करते हैं, तो मनुष्य एक से ज्यादा ट्रोपिक में मिलता है, ठीक है, और एक से ज्यादा पोषण स्तरों में ये मिलता है। अब जैसे जैसे हम आगे की ओर, इसलिए यहां से यहां की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तो यहां पर कम होता चला जाता है बायोमास, कम होती चली जाती है एनर्जी,
और कम होती चले जाती है नंबर ऑफ इंडिविजुअल, खाली नंबर लिख दे रही हूं मैं यहाँ पर, जो भी जीवों की संख्या है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ जो भी एग्जाम्पल आप करेंगे उसके लिए यहाँ पर आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पर धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे जैसे जैसे हम अगले अगले लेयर में बढ़ते चले जाएंगे। अब रही बात, अगर जो ये हम बार बार बोल रहे हैं कि ये पोषण स्तर क्या होता है, एक ऐसा डिवीजन है जिसमें हम ये डिफाइन कर पाते हैं, जैसे हमने कहा ये प्राइमरी कंज्यूमर ये करता है, तो हमने इसको एक अलग लेयर पर रखा है, सेकेंडरी को एक अलग पर रखा है और टर्शियरी को एक अलग पर रखा है, यानी कि एक तरीके का ये डिवीजन है जो अलग अलग सेगमेंट्स को, अलग अलग स्टेप्स को यहाँ पर दिखाता है और ये बताता है कि हर स्तर पर दो तरीके की मात्रा यहाँ पर होती है, और जिसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग क्रोप करके एक टर्म का यूज किया गया, सॉरी स्टैंडिंग क्रोप करके यहाँ पर एक टर्म का यूज किया गया है। तो स्टैंडिंग क्रोप होती है, ये जो स्टैंडिंग क्रोप होती है ये वो क्रोप होती है जितना भी लिविंग मटेरियल अवेलेबल है, ध्यान दीजिएगा, जितना भी लिविंग मटेरियल यानी जितना भी वो मास वहां पर लिविंग मटेरियल का किसी भी पर्टिकुलर लेवल पर, चाहे लेवल 1 पर, लेवल 2 पर, लेवल 3 पर, किसी पर भी, ठीक है, किसी भी लेवल पर स्पेसिफिक टाइम में जितना लिविंग मटेरियल अवेलेबल है उसको, लिविंग मटेरियल को या लिविंग मास को एक यूनिट एरिया में बोला जाता है स्टैंडिंग क्रोप। ध्यान से सुनिएगा, ये अलग अलग लेयर्स हो गई जिन्हें हम अलग अलग न्यूट्रिएंट लेयर बोल रहे हैं या ट्रोपिक लेयर्स बोल रहे हैं, ये क्या करेंगी, अलग अलग लेयर यहाँ पर मेंटेन करेंगी। तो यहाँ पर स्टैंडिंग क्रोप क्या होगा, हर लेयर पर देखिए एक पर्टिकुलर एरिया होगा, स्पेसिफिक टाइम होगा जिस समय वहां पर लिविंग मटेरियल अवेलेबल होगा या जिस समय वहां पर लिविंग मास अवेलेबल होगा। लिविंग मास मीन टू से जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर अवेलेबल होंगे, तो जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर यूनिट एरिया, यूनिट टाइम पर या स्पेसिफिक टाइम पर अवेलेबल होंगे उसको टर्म दिया गया है स्टैंडिंग क्रोप। और दो तरीके का बायोमास हमारे पास आता है, बायोमास हम हर बार बोल रहे हैं, तो ये बायोमास हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, बायोमास होता है कि किसी भी यूनिट एरिया में, जो ये था उसी को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, किसी भी यूनिट एरिया में स्पेसिफिक टाइम पर जितना भी अवेलेबल ऑर्गेनिज्म है दैट इज नोन एज द बायोमास। यहाँ पर दो तरीके का इंडिकेशन होता है बायोमास का, एक को हम बोलते हैं फ्रेश बायोमास और एक होता है हमारा ड्राई बायोमास, बायोमास सॉरी, जो हमेशा ड्राई बायोमास होता है वो ज्यादा मतलब प्रायोरिटी में रहता है इसकी तुलना में, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर इंक्लूडेड होता है और इस पर मौसम की नमी का प्रभाव पड़ता है, यानी कि एटमॉस्फेयर का यहाँ पर प्रभाव इसका पड़ता है, ठीक है। अब देखिए कुछ अलग अलग अगर हम इसके बेस पर समझें, हमारे पास है पैरासाइट भी है, हमारे पास ऐसे भी हैं जिनको हम हर्बीवोर्स कह रहे हैं, कार्निवोर्स कह रहे हैं या ओमनीवोर्स कह रहे हैं, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी कह रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ऐसे पैरासाइट भी होते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि अगर पैरासाइट है तो पैरासाइट को हम किस लेवल पर रखेंगे, तो पैरासाइट को यहाँ पर जनरली क्या होता है, कुछ पैरासाइट एक्चुअली एक स्पेसिफिक लेयर पर नहीं मिलते, पैरासाइट कहीं भी मिलेंगे, पैरासाइट आपको यहाँ पर सेकेंडरी लेयर पर भी, सेकेंडरी कंज्यूमर पर भी मिल सकते हैं, जैसे लीच हो गए, माइट्स हो गए, टिक हो गए, एफिड्स हो गए या मच्छर हो गए, तो इनको इसीलिए ये कहीं भी मिल सकते हैं, तो इसीलिए इनको किसी स्पेसिफिक स्तर पर या स्पेसिफिक लेयर पर नहीं रखा जाता। फिर जो भी यहाँ पर एनर्जी बन रही है, जितने प्रोड्यूसर यहाँ पर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, तो एनर्जी की किसी भी हम ये सोचें अरे एनर्जी यहाँ पर, ये तो प्रोड्यूसर ने बना ली, अब ये यहाँ पर क्या करेगा, सारी एनर्जी को स्टोर कर ले और फ्यूचर के लिए अपने आप बचा ले, तो यहाँ पर एनर्जी का स्टोरेज नहीं है, एनर्जी फ्लो में है, ठीक है, एनर्जी फ्लो में है, एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में नहीं रहेगी, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। हमेशा प्रोड्यूसर के द्वारा उसे जैसे ही इसके पास आती है ये अगले लेयर को, अगले को, अगले को वहां पर भेज देगा, ठीक
मेनली जो एनिमल्स होते हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर फूड के लिए। ठीक हो गया। अब मान लीजिए किसी की मृत्यु हो गई, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हर्बीवोर्स है, यानी कि प्लांट्स से ही यानी प्रोड्यूसर से ही वो फूड गेन कर रहा है, और जितना यहाँ पर उस फूड को गेन करने में इस कंज्यूमर को एनर्जी की जरूरत थी, यानी कि डाइजेशन में या एसिमिलेशन में जो एनर्जी यहाँ पर है, जितनी एनर्जी इसने यहाँ से ली है, कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, एज इट इज वो वहां पर नहीं रहेगी। ठीक है। तो बहुत छोटा सा जो भी अंश होगा यहाँ से ली हुई एनर्जी का, ये प्राइमरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर इनको भेज दिया जाएगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैं बता रही हूं यहाँ पर, इसके लिए लिंडमैन है, लिंडमैन ने एनर्जी फ्लो से रिलेटेड एक रूल दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिंडमैन ने 1942 में एक रूल दिया है कि इको सिस्टम में एनर्जी का फ्लो 10% एनर्जी के फ्लो के बेस पर दिया गया है। ठीक है। यानी कि देखिए कोई भी लोअर ट्रॉपिक है वो ऊपर वाले पर जाएगा, तो ऊपर का केवल 10% ऊर्जा ही वो क्या करेगा, आगे भेजेगा, बाकी वो कंज्यूम कर लेगा। माना उसके पास सपोज 100% एनर्जी आती है, वो 10% ही आगे भेजेगा, फिर 10% आगे भेजेगा, फिर 10% आगे भेजेगा। इस तरीके से एनर्जी का फ्लो बना रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि लिंडमैन ने या 10% एनर्जी फ्लो का रूल किसने दिया, लिंडमैन ने दिया था, 1942 में दिया था, और इंपॉर्टेंट है इकोलॉजी के रेफरेंस में। अब रही बात फूड चेन, क्या ये तो पूरा फूड चेन था। ठीक है। अब टाइप कितने तरीके के हो सकते हैं, बहुत सिंपल है, टाइप्स ऑफ फूड चेन। खाद्य श्रृंखला जनरली हम पढ़ते हैं कि अभी जैसे हमने कहा कि प्रोड्यूसर है, और प्रोड्यूसर ने जो भी फूड गेन किया वो कहाँ पर चला गया, कंज्यूमर में चला गया, कंज्यूमर से कहाँ चला जाएगा, डीकंपोजर पूरी फूड चेन का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लियर हो गया। अब तीन तरीके की फूड चेन हम स्पेशली पढ़ते हैं, कुछ जगह दो तरीके की भी लिखी हुई है जिसमें पैरासिटिक फूड चेन को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन हम उसको भी पढ़ेंगे। पहली फूड चेन होती है जिसे ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि GFC कहते हैं। हिंदी में ग्रेजिंग का मतलब होता है चारण, चारण खाद्य श्रृंखला, चेन मतलब श्रृंखला। ठीक हो गया। जैसे चारण मतलब चरने वाले, जो ग्रेजिंग कर रहे हैं उनकी एक फूड चेन को हम यहां पर दिखा रहे हैं। जैसे घास में जो होते हैं, ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, गोट ने खाया यानी बकरी ने खाया, और बकरी को खा गया मनुष्य। मनुष्य सब कुछ खा लेता है, पशु भी खा लेता है, पौधे भी खा लेता है, सब कुछ खा लेता है। तो घास है, बकरी है, और फिर मनुष्य। तो ये क्या होगा, एक तरीके की फूड चेन जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी को यहां पर शो कर रही है। ठीक है। अब आती है आपकी दूसरी फूड चेन। दूसरी फूड चेन है आपकी पैरासिटिक फूड चेन, पैरासिटिक फूड चेन। पैरासिटिक यानी कि परजीवी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला। परजीवी खाद्य श्रृंखला को ऑक्सिलरी फूड चेन भी कहा जाता है। नाम ध्यान रखेंगे, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे ऑक्सिलरी फूड चेन भी कहा जाता है, जो कहाँ से शुरू होती है, पैरासाइट से शुरू होती है और पैरासाइट पर ही खत्म हो जाती है। मतलब पैरासाइट से हमने प्रोड्यूसर मान लिया, जैसे हमने कहा पैरासाइट भी प्रोड्यूसर होते हैं, इसलिए एक अलग पोषण स्तर पर हमने उनको नहीं रखा है। तो पैरासाइट, पैरासाइट को जिसने भी कंज्यूम किया, लास्ट में वो क्या हो जाएगा, डीकम्पोज हो जाएगा। तो डीकम्पोजिशन का काम भी कौन करेंगे, पैरासाइट करेंगे। तीसरी आती है जिसे हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन, DFC। डेट्रिटस मतलब अपरद, अपरद खाद्य
श्रृंखला। ठीक है, तीन तरीके की ये फूड चेन हुई, जीएफसी, पीएफसी और डीएफसी। दो ये बता दी, डेट्रिटस। डेट्रिटस क्या है कि ये कहाँ से शुरू होगी, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है वहां से शुरू होगी, ये इनका डिकम्पोजिशन करने का काम करेंगे, और जितने भी डेट्राइट्स हैं यानी कि जितने भी डेट्रिटस हैं या अपरद हैं, ठीक है, इनको किसने खाया, कल केंचुए का एग्जाम्पल देखा था हमने, अर्थवॉर्म ने खाया। अर्थवॉर्म को कौन खा सकता है, अर्थवॉर्म को खा सकती है चिड़िया यानी कि बर्ड ने खा लिया। बर्ड को कौन खा सकता है, बाज, ठीक है, हॉक खा लेगा, ईगल खा लेगी। केंचुए को दूसरा कौन खा सकता है, केंचुए को खा सकता है मेंढक, ठीक हो गया। मेंढक को कौन खा सकता है, सांप, और सांप मोर, सांप को कौन खा सकता है, मोर। तो डेट्रिटस में ये कहाँ से शुरू होती है, उनसे शुरू होती है, जैसे केंचुआ क्या कर रहा था, कल हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो भी मैटर होता है उसके इंटेस्टाइन से गुजरता है और पाउडर बन जाता है, ठीक है। तो जितना डेट्रिटस बना उसे बनाने का काम क्या कर रहा है, केंचुआ। जैसे इसमें हमने दीमक का भी एग्जाम्पल किया था, यहां मैं केंचुए के एग्जाम्पल से दिखा रही हूँ। तो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म को बर्ड, बर्ड को यहाँ पर ईगल या हॉक ने खा लिया। फिर यहाँ पर मेंढक, केंचुए को मेंढक भी खा सकता है, सांप भी खा सकता है, मेंढक को सांप और सांप को मोर खा सकता है। समझ में आया? तो ये हमारा क्या था, फूड चेन से रिलेटेड था। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमारा, या बहुत छोटा सा टॉपिक है हमारा खाद्य जाल का, यानी कि फूड वेब का। फूड वेब क्या होता है, सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। फूड वेब का मतलब होता है कि जितना भी यहाँ पर प्रोड्यूसर है और जितना यहाँ पर कंज्यूमर है, वो एक दूसरे पर मल्टीपल वे से फूड के लिए डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। जैसे ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, टिड्डे ने खाया। अब हिंदी में ही लिख दे रही हूं मैं, हिंदी में घास लिख दिया मैंने, मतलब ग्रास होपर ने खाया। ग्रास होपर को किसने खा लिया, लेजर्ड ने खा लिया यानी छिपकली ने खा लिया। छिपकली को किसने खा लिया, ईगल ने खा लिया, हॉक ने खा लिया यानी बाज ने खा लिया। क्लियर हो गया, एक तो चेन हमारी ये हो गई। फूड वेब का मतलब ये हुआ कि मल्टीपल चेन वहां पर अवेलेबल है, मल्टीपल फूड चेन अवेलेबल है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप दूसरा देख लीजिए, घास है, इसको किसने खाया, रैबिट ने खाया यानी खरगोश ने खा लिया, खरगोश को भी ये खा जाएगा, ठीक हो गया। घास को किसने खा लिया, रैट ने खा लिया यानी चूहे ने खा लिया, चूहे को खा गया सांप, सांप को खा गया ये, और चूहे को भी ये खा जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, एक जाल जैसा पूरा बन जा रहा है। मतलब फूड वेब जो होता है उसमें मल्टीपल फूड चेन होती हैं, और वो मल्टीपल फूड चेन एक जगह आकर एंड हो जाती हैं, लेकिन मल्टीपल वे से वो जाती हैं, तो इसको हम फूड वेब कहते हैं। जब हम किसी भी, सपोज मैं इसको एक ही को दिखाऊं, ठीक है, चेन को अगर मैं कहूँ इसमें से मैं चेन कैसे दिखा सकती हूँ, तो ग्रास, ग्रास को खा गया ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खा गई लेजर्ड यानी छिपकली, और छिपकली को खा गया बाज। तो ये क्या हुई हमारी, एक ही चेन मैंने दिखाई है, एक ही लीनियर फॉर्म में दिखाया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, फूड चेन। और जब आप इसे इस तरीके से दिखाएंगे तो ये हो जाएगा फूड वेब। तो सिंपल टॉपिक बट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हमारे हैं, तो इन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए आप टॉपिक जरूर देखते रहिएगा। अगर कोई ऐसा लगता है कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ ऐसी और करेक्शन की आवश्यकता लगती है, या जैसा भी आपको लगे, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले टॉपिक में बता देते हैं क्या पढ़ेंगे, अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स, दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर सीबीएसई एग्जाम, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड फॉर योर नॉलेज। आप कंपटीशन देंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे मैंने टर्म्स इसमें ऐड किए हैं, छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किए हैं, तो आप उनको देखते रहिएगा, लगातार साथ बनी रहिएगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।